हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सिविल बॉय में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे कुछ लोगों को जो एग्ज़ाम फ़ी है वो रिटर्न करने वाली है। तो चलिए हम जानते हैं कि रेलवे किसे किसे फ़ी रिटर्न करेगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल बॉय को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोल लीजिए, कोई भी एक ब्राउज़र खोल लीजिए, ठीक है। उसमें आप सर्च कीजिए फ्री जॉब अलर्ट, फ्री जॉब अलर्ट। आपने जब इसे सर्च करेंगे तो आपको ये खुलेगा, आपको ये वाला खोलना है freejobalert.com, इसे ठीक है। इसमें आप जैसे ही नीचे रोल कीजिएगा तो आपको मिलेगा रेलवे जॉब, लेटेस्ट रेलवे जॉब्स। इस पर आपको व्यू मोर पर क्लिक करना है। व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलेगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए हमारा ये पेज खुला। फिर इसके बाद हम इसे थोड़ा सा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें आप जैसे नीचे रोल कीजिएगा तो आपको ये हिंदी में कुछ न्यूज़ मिलेगी। जैसे देखिए पहला न्यूज़ है, रेलवे में ग्रुप डी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की, ठीक है। इसे जैसे ही आप नीचे रोल कीजिएगा तो आप ये देखिए, ये हाँ ये वाला 4/2/2018 को SC ST अभ्यर्थियों को वापस होगा शुल्क, ये न्यूज़ है अमर उजाला का। तो जैसे ही हम मोर गेट पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक PDF डाउनलोड होगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये डाउनलोड होने के बाद इसमें देखिए क्या है, ये PDF खुल रहा है हमारा। देखिए ये पासवर्ड है मेरा, ये देखिए ये अमर उजाला का न्यूज़ है, ST SC अभ्यर्थियों को शुल्क वापस। SC ST अभ्यर्थियों द्वारा 250 रुपये का शुल्क लिए जाने के सवाल पर RBC इलाहाबाद के चेयरमैन SAM नकवी का कहना है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे उनकी फ़ीस बाद में वापस कर दी जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है अमर उजाला का के पेपर में पब्लिश हुआ है, तो आप इसे पेपर से भी। अगर आप भरना चाहते हैं इलाहाबाद बोर्ड और ST कैंडिडेट हैं तो आपके पैसे वापस जरूर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और